हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, खूबसूरत और बेहतरीन लुक के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेकअप प्रोडक्ट्स की भरमार हो। सीमित प्रोडक्ट्स में भी आप बेहतरीन मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कम्प्लीट मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लॉलेस लुक के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके मेकअप किट में फाउंडेशन और कंसीलर हो। इसकी जगह पर आप बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बीबी और सीसी क्रीम में कई सारे प्रोडक्ट इन्फ्यूज्ड होते हैं, जैसे फाउंडेशन, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप शादी पार्टी के साथ साथ डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम्स आपको फाउंडेशन की ही तरह फुल कवरेज देती है। ये सारी क्रीम्स आपके फेस की नमी को बनाए रखने के साथ साथ हानिकारक यूवी रेस से भी आपके फेस को बचाते हैं। आई मेकअप के लिए आप आईलाइनर की जगह किसी कलर या फिर नॉर्मल आई पेंसिल में इन्वेस्ट करें, क्योंकि काजल पेंसिल से भी आपको स्मोकी लुक मिल सकता है। सबसे पहले आप लेस लाइन पर मोटी लाइन बनाएं। अब इसे आई बर्ड या फिर ब्रश की हेल्प से आई लिड पर फैलाएं। लेस लाइन को काजल की मदद से भरे और नीचे की लेस लाइन को भी काजल लगाकर स्मज कर दें। इसके बाद मस्कारा लगाकर अपने आई मेकअप को कंप्लीट करें। दोस्तों, साइनी चिक बोन्स के लिए हाइलाइटर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप लिप ग्लॉस में इन्वेस्ट करें। इसे उंगलियों की मदद से चिक्स पर लगाएं और ब्रश से ब्लेंड करें। हमेशा पिंक या पीच कलर के लिप ग्लॉस में इन्वेस्ट करें, इसे आप एज अ ब्लश भी यूज कर पाएंगे। दोस्तों, लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप चिक बोन्स, आई शेडो और लिप्स तीनों पर यूज कर सकते हैं। मेकअप किट में पिंक और पीच कलर के लिपस्टिक को जरूर ऐड करें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इससे पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, मॉइस्चराइजर को आप एज अ मेकअप प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसे आप एज अ मेकअप प्राइमर यूज कर सकते हैं। आप इसे मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेकअप रिमूवर से अक्सर स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए अगर आप मॉइस्चराइजर का यूज करेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी और ड्राई भी नहीं होगी।